1998. ये बच्चे लोग को खेलने के लिए गार्डन एरिया। सुपर स्मैश बर्गर लाइन देखो। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके व्लॉग्स। आज चांद रात है, आप सभी लोगों को चांद मुबारक, आपको और आपकी फैमिली को चांद मुबारक। और आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आया हूँ करोना की मस्जिद में, इस्लामिक सेंटर ऑफ करोना। तो ये करोना की मस्जिद है, आप देख रहे हो पीछे कितना सजाया गया है। ये सब चांद रात की धमाल है, उसके लिए पूरा सजाया गया। यहाँ पर चांद रात को भी गेट टुगेदर होता है, तो मैं आपको चांद रात का गेट टुगेदर दिखाऊंगा। और प्लस माहिम में कैसा लोग, अब मैं माहिम का ही बताऊंगा क्योंकि मैं माहिम में था और जोगेश्वरी में, कि वहाँ पर शॉपिंग कैसा करते थे लोग, फैमिली मतलब लेडीज़ लोग ज़्यादा जाके। तो यहाँ पर भी एक मेला जैसा लगा हुआ है जो कि चांद रात का मेला बोलते हैं उसका। यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेडीज़ आती है, फैमिलीज़ आती है, बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर तो हर चीज़ का गेट टुगेदर बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके जाके दिखाता हूँ। ये फेस्टिवल खाने पीने की आइटम में रखी हुई, अलग अलग टाइप के खाने पीने की चीज़ें हैं। और प्लस आपका मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ, और प्लस यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कैसे शॉपिंग करने आते हैं, चांद रात की शॉपिंग कैसी होती है यहाँ पर लेडीज़ लोग की। चलो आपको अंदर लेके जाके दिखाता हूँ। ये तो पार्किंग आप देख सकते हो, यहाँ पर पार्किंग पूरी फुल हो गई है। मेरे को अलहमदा जगह मिल गई, नहीं तो यहाँ तो पूरा पार्किंग फुल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई है। तो अभी आपको पहले मस्जिद दिखाता हूँ और पूरा यहाँ का मेला दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर सब फूड स्टॉल रखी है, ये फूड स्टॉल का आउटलेट है। सुपर स्मैश बर्गर लाइन देखो। सब लोग गेट टुगेदर भी हो जाता है, आउटिंग भी हो जाती है, और चांद रात की धमाल भी हो जाती है। देखो मालूम पड़ रहा है ना क्राउड, देखो कितना ऊपर क्राउड। ये मेन मस्जिद है। जाएंगे तो सब स्टॉल्स लगी हुई है खाने पीने की। कितना अच्छा लगता है ना, सब लोग जमा हो गए एक साथ। देख रहे हो क्राउड, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। खाली खाली लगता ही नहीं कि हाँ भाई चांद रात है तो एकदम खाली खाली। ये अपना माहिम जोगेश्वरी के बाहर जो मार्केट है वो लगती है ना, बट वहाँ पर भी खाने पीने का आउटलेट है, बट यहाँ तो बनाया गया है पूरा स्पेशली क्रिएट किया गया है रमज़ान के लिए, चांद रात के लिए, ताकि लोग आके इंजॉय करे हुए गेट टुगेदर हो जाए। और ये बच्चे लोग को खेलने के लिए गार्डन एरिया। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर माँ बाप बैठे हैं। और ये है आपका मेन शॉपिंग एरिया लेडीज लोग का, पूरा सब एक सेक्शन में बनाया गया है, विच इज वेरी गुड।
alaikum assalam. Yeah, yeah, definitely. So this is our game, which is based on the 99 names of Allah. So this is the Arabic. Yeah, this is the Arabic name of Allah with its English translation. MashaAllah. So this is a brand new game. Okay. It is a Muslim-based business and it is a woman-based business. MashaAllah. MashaAllah. So when you get both these decks, there of course. Tomorrow the price is going to change, but our introductory price for the day is $10 only. Okay. So it's the 99 names of Allah and the different ways that we can actually learn the names of Allah. It's sawab for you. MashaAllah. Sawab for the children. Definitely. So, yeah, yeah. If you don't mind sharing that QR code with your WhatsApp. Yeah. That would be so good. Yeah, I'll do that. I'll take the picture. So, आप देखें कैसी धमाल है, कैसा मेला लगा हुआ है पूरा ये माइम और वो वैशाली नगर की जो मार्केट है, मेरे को तो वही फील आता है यहाँ पर. बट यहाँ का क्राउड अलग है, वहाँ का क्राउड अलग है अलहमदिल्ला. बट अच्छा लगता है कि वी हैव सम प्लेस वेर वी कैन गो एंड फील के हाँ यार ये हमारे लोगों की जगह है. यू नो ये देखो ना, पूरा एरिया शॉपिंग का है. आप अपनी फैमिली के साथ आओ, अपनी वाइफ को शॉपिंग कराओ, अपनी बहन को शॉपिंग कराओ और इंजॉय करो और ख़ुद भी शॉपिंग करो. वैसे तो सब लेडीज़ का ही आइटम है यहाँ पर, बट है जेंट्स लोग का भी है. जैसा इत्र है आपकी, ये है क्या बोलते हैं परफ्यूम्स है, तो ये सब है. ये देखो ना, सब ड्रेसेस है. यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. तो सबको मजा आ गया यहाँ पर. मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पर गेट टुगेदर के लिए है जगह. नहीं तो मैं सोचता था यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता होगा, बट यहाँ पर तो ज़्यादा होता है अपने यहाँ से. ज़्यादा अपने यहाँ भी इतना गेट टुगेदर होता नहीं होगा जितना यहाँ होता है माशाल्लाह. और ये देखो ये मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह. देखो मेहंदी भी लगाई जा रही है. सो मेहंदी का भी अरेंजमेंट है. आप लोग आके अपना खुद का स्टॉल भी लगा सकते हैं यहाँ पर. जैसे आपको टेक परमिशन और कुछ छोटा सा एक अमाउंट भरना पड़ता है, तो आप अपने स्टॉल लगा के भी आप भी अर्न कर सकते. देखें कितनी धमाल है. लगता है कि आपको ये अमेरिका में हो, फील ही नहीं आता कि आप अमेरिका में हो. एक बार आप आ जाओ मस्जिद में तो आपको अलग ही फीलिंग आती है माशाल्लाह माशाल्लाह. मेरे को तो ये सब चीज़ों का था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पाऊँगा एक बार इंडिया छोड़ दूँगा तो, बट अलहमदिल्ला यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है. बल्कि वहाँ से मुझे ज़्यादा यहाँ पर सेलिब्रेशन लगता है. वहाँ पर रोड पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर अपने अपने जोन में होता है. बट विच इज़ फाइन, हमारे को सेलिब्रेट करने से मतलब है, गेट टुगेदर करने से मतलब है. तो क्या फैमिली भी आवे, बच्चों भी आवे, तो बच्चे लोग को भी बोर नहीं होवे, फैमिली को भी बोर नहीं हो, उन लोगों को भी अच्छा लगे. और यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन जाते, बहुत लोग फ्रेंड्स बन जाते, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स बन गए. तो अभी बस मैं आपको ये वीडियो बनाने के लिए मैं बाहर आया था कि आप लोग को वीडियो बना के आपको दिखा दूँ कि अमेरिका में भी इंडिया और पाकिस्तान बसा है. तो आप लोग आओ, बिंदास धमाल करो, टेंशन मत लो, कोई भी चीज़ में सोचो मत ये चीज़ नहीं मिलेंगी वो चीज़, सब मिलता है यहाँ पर. तो एनीवेज आप सभी लोगों को चांद मुबारक. अभी कल इंशाल्लाह ईद है हमारे यहाँ. आप लोग क्या, रात और दिन का फ़र्क है दोनों सेम जगह ईद है, बट दिन और रात का फ़र्क है. तो कल आपको मैं ईद का व्लॉग इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि ईद का गेट टुगेदर यहाँ कैसे होता है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर न्यू मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो. मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में. अलविदा.